तुमसे कितनी बार कहा है जी कि घर का खर्चा पूरा दिया करो या खुद ही घर चलाओ। तुम तो जानती हो कि मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं लेकिन महंगाई तो बढ़ती है। अरे शांति, तुमसे कितनी बार कहा है कि जरा हाथ खींच के खर्च किया करो। अच्छा, मुझे हाथ खींचने को कहते हो लेकिन अपने भाई से क्यों नहीं कुछ कहते? चार पैसे की मदद कर देगा तो उसका वजन हल्का नहीं हो जाएगा? जब वो काम पर लग जाएगा ना, खुद ब खुद मदद कर देगा। पता नहीं कब वो शुभ दिन आएगा। तुम कब आए? अभी अभी आए। आप इधर से आए, चाचा यहाँ से आए। जाओ अमर, जाके आराम करो, थक गए होगे। जी चाचा, आप ऊपर जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मम्मी चाचा के लिए खाना ले जाओ। देती हूँ, काम धाम तो कुछ करता नहीं, बस रोटियां तोड़ता है। मम्मी तुम क्यों बार बार चाचा के बारे में? चाचा की चमची, एक टॉर्च और एक फ्यूज वायर देना। फ्यूज? आपको फ्यूज लगाना आता है या किसी को भेज दूं? फ्यूज लगाने वाला है। बोलिए कबाऊ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी ने मेरा फ्यूज उड़ा दिया, आज आप लगा दीजिए। ये लीजिए फ्यूज और टॉर्च। टॉर्च हिसाब में लिख देना। क्या हुआ? क्या बता सकती हैं कि बैंगन को बैंगन क्यों कहते हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, इसलिए कि उसकी शक्ल बैंगन जैसी है। वाह, क्या सोच है आपकी, आप ही मेरी जिंदगी में रोशनी कर सकती हैं। आगे बोलिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी भाभी ने पहली बार मुझे सब्जियां खरीदने की असाइनमेंट दी है। और आपको कद्दू भी खरीदना नहीं आता? अरे कद्दू ही तो खरीदना है। आपकी लाइफ का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ, बस आप कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलते रहिएगा। एक कद्दू देना भाई, कद्दू। भाभी, भाभी, अरे भाभी देखो क्या ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ, खुश हो जाओगी। तुम अपने देवर को बेकार समझती थी ना, आज बैंगन लौकी गोभी देखकर मान जाओगी कि हम भी आदि काम के। चाहे पूजा के कमरे में रख दे खाली। रख देते हैं। एक दिन भाजी क्या ले आया, अपने आप को आदमी समझने लगा। काम धाम कुछ होता नहीं, कद्दू कर। क्या हुआ भाभी? मच्छी मर गई। सब अपवित्र कर दिया। बैंगन को भुर्ता बनते तो सुना था, मुर्गी बनते पहली बार देख रहा हूँ। हाय हाय हाय, किस जन्म का बदला ले रहे तू मुझसे अमर? अभी अभी तो पूजा की थी, स्नान किया था। हाय हाय, सब अपवित्र कर दिया, ब्रश कर दिया मुझे, एक काम करने को कहा था, सत्यानाश कर दिया पूरे दिन का। अब कौन सफाई करेगा मेरी रसोई की? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देखता हूँ, खाकर फेंक इसको बाहर। हिंदू, लेकिन ये तो उसका थैला है। लौकी, बैंगन, मगर मैंने तो मुर्गी और मछली खरीदी थी, ये बैंगन और लौकी कहाँ से आ गए? लगता है बैग बदल गया, जरूर वही होगा। अरे रुको, कमिंग। भाभी से पिटते पिटते बचाओ और भागते भागते आओ। आप तो पिटते पिटते बच गए, मगर मैं तो शायद पिट ही जाती। ये लीजिए आपका बैग और मुझे दीजिए मेरा। क्या कहा जी? चाय? इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है जी? मैंने चाय? अब अगर आप इतना फोर्स करी नहीं है तो चलिए, लेकिन एक शर्त पर पीऊंगा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो। आपका साथ? चाय पर? चाय, ऑफ कोर्स, चाय, चाय पर। जी लीजिए। थैंक यू सीमा। सीमा, आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? आपकी इस नोटबुक से। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है। जाहिर है अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे। मेरे नाम में कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो बता देता हूँ, अमर। बुरा नहीं है। नाम तो है अमर, लेकिन रोज कई बार मरना पड़ता है। वैसे आप करते क्या हैं बातें बनाने के अलावा? कुछ करने की कोशिश में हूँ, अभी तो वकालत का इम्तिहान दिया है, कल ही आखिरी पेपर था। आप अच्छे लगेंगे काले कोट में। My Lord, Your Honor. अभी तो सिर्फ इम्तिहान दिया है मेम साहब, नतीजा निकलने तक कई और इम्तिहान देने होंगे, नौकरी ढूंढनी होगी। आपकी किताब से लगता है कि आप... जी हाँ, पढ़ रही हूँ। बोर्डिंग में थी, अब केटरिंग का कोर्स कर रही हूँ, पास में ही कॉलेज है। इसलिए वो मुर्गी मछली। जी जी। और अगर आप बैग ना लाते तो क्लास में बैंगन के साथ मेरा भरता बन गया होता। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। मेरी मौसी, मौसी अमर है। कल नाइट इन्होंने फ्यूज, आज आज बैग बदल गया था।
सीमा जी, जी अगर हमारे बैग नहीं बदलते तो मैं मौसी से कैसे मिल पाता? नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। वैसे चाय बुरी नहीं थी? बैठ सकते हैं? थैंक यू। मर गया, थैला फिर बदल लिया। और आज का टेस्ट भी है। आज हम सीखेंगे फिश कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सब अपनी अपनी मछलियां निकालिए। हाँ तो लड़कियों, मैं कह रही थी, ये क्या है? बैंगनी मच्छी। अरे सीमा, फिर गड़बड़ हो गई। मेरे बैंगन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी मुर्गी मछली मेरे मेरे बैग में है। वेलकम होम सर। क्या हम लैंड कर गए? कब क्या सर? ओ Gentlemen, we proudly present the three finalists of this year's Palmolive Feminine Miss India Contest. The second runner-up is Neha Kapoor. And the first runner-up is Kavita Singh. And now to crown this year's Feminine Miss India winner, please welcome the media tycoon, Mr. Rajiv Sinha. The winner of Femina Miss India is Lina Nair. Congratulations. Thank you. Okay. That's a crown, and you deserve it. Thanks. You're looking gorgeous. Thank you. Azad ka dinner mere saath. अरे काजल, चाय लाओ ना प्लीज। चाचा चाय। ठीक है। अरे कोई चाय वाय नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो चंपा के साथ ऑफिस जाना है। कल मेरी पैंट, कब कहीं निकल गया तो आई मस्ट गो।